आज हम बनाएंगे बिना चीनी और बिना मैदा के बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्थी कुकीज़ ये कुकीज़ बनाना बहुत आसान है इसे हम गेहूं के आटे से बनाएंगे इसलिए बहुत हेल्थी भी है तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम एक सॉस पैन लेंगे और उसमें डालेंगे लगभग आधा कटोरी गुड़ गुड़ को अच्छे से एक बार हमने कूट लिया है अब इसमें हम डालेंगे लगभग चार से पाँच चम्मच देसी घी इसके बाद हम इसमें डाल लगभग एक चौथाई कप या फिर सात आठ चम्मच दूध दूध डालने के बाद हम इसको तो हल्का सा गैस पे चढ़ा देंगे और इसको बहुत हल्का सा गर्म करेंगे ताकि ये सब अच्छे से मिक्स हो जाए इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना बस पंद्रह बीस सेकेंड के लिए हम इसको गैस पे रख के जब तक ये बिल्कुल अच्छे से घुल नहीं जाए तब तक गर्म कर लेंगे तो ये हल्का गर्म हो गया और सारी चीज़ें अच्छे से घुल गई है अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसको साइड में रख देंगे अब हम एक बोल लेंगे और इसमें डालेंगे लगभग डेढ़ कटोरी गेहूं का आटा गेहूं का आटे को डाल के हम इसको अच्छे से छान लेंगे और इसके बाद हम इसमें डालेंगे लगभग वन फोर्थ कप सूजी और लगभग आधा चम्मच बेकिंग पाउडर एक बार बेकिंग पाउडर ढाल देंगे और हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे अब हम इसमें ढाल देंगे थोड़ी सी बारीक बारीक कट करी हुई बादाम आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं बारीक बारीक कट कर करके या फिर इसको स्किप भी कर सकते हैं इसको डाल के भी इसको एक बार आटे में अच्छे से मिक्स कर देंगे और जो हमने गुड़ और दूध और घी को मिक्स करके जो बनाया था उसको थोड़ा थोड़ा हम इसमें डाल देंगे सारे एक साथ नहीं डालना है थोड़ा थोड़ा डालते डालते इसका आटा गूंदना है इसको हाथ से अच्छे से मसल के हमें आटा गूंदना है ज़्यादा जोर नहीं लगाना बस इसको उंगलियों से जोड़ते हुए इसका हमें आटा गूंदना है अगर आपका आटा थोड़ा सा ड्राई रह जाए तो आप इसमें थोड़ा सा दूध और डाल सकते हैं और ये अगर ज़्यादा गीला हो जाए तो इसमें थोड़ा सा गेहूँ का आटा ऊपर से मिक्स करके इसको सही कर सकते हैं हमें बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा गूंदना है इसका एकदम हल्के हल्के हाथ से बिल्कुल ज़्यादा जोड़ने लगाना है नहीं तो बिस्किट थोड़े से कड़क बनेंगे तो बस उंगलियों से जोड़ते हैं हम इसको गूंथ लेंगे तो हमारा आटा बिल्कुल तैयार है हम इसकी छोटी सी बॉल लेके इसको गोल गोल करके हाथ से ही कुकी का शेप दे, दे देंगे इसको अच्छे से प्रेस करके हम पतला कर देंगे और एक नाइफ से दो तीन ऊपर इसके हल्की हल्की कट लगा देंगे तो ऐसे ही हम एकदम सेम साइज़ के सारे बिस्किट बना लेंगे हो सके तो आपको बिस्किट सारे सेम साइज़ के बनाना है क्योंकि जब हम इसको पकाएंगे तो छोटे वाले जल्दी पक जाते हैं और बड़े वालों को पकने में टाइम लगता है इसलिए हो सके तो सब सेम साइज़ के ही बनाएं अब हम एक बेकिंग ट्रे लेंगे और सारे बिस्किट्स को बेकिंग ट्रे पे डाल देंगे आप चाहे तो इनको कढ़ाई में या फिर अवन में किसी से भी बना सकते हैं आप चाहे तो इनको ऑयल में फ्राई भी कर सकते हैं अवन को मैंने 180 डिग्री पे लगभग चार पाँच मिनट के लिए प्रीहीट कर दिया था बेकिंग ट्रे इसमें डाल के हमें इसको लगभग 18 से 20 मिनट तक पकाना है 180 डिग्री पे हम इसको 18 से 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे ये अच्छे से जब तक बेक हो जाएंगे तो लगभग 19-20 मिनट बाद ये बहुत अच्छे से बेक हो गए इनके जो ऊपर की लहर है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है इनको हम बाहर निकाल लेंगे और इसको लगभग 10 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने देंगे। गरम, गरम ये सॉफ्ट होता है लेकिन जैसे ही ये ठंडे हो जाएंगे एकदम क्रिस्पी और कुरकुरे हो जाएंगे। तो हमारी बहुत ही टेस्टी और हेल्थी कुकीज़ बिल्कुल तैयार है अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें